नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बीते 24 घंटे में देश में सामने आए 366,161 नए कोरोना मामले, 3,754 की कोरोना की चलती गई जान। शेयर बाजार हुआ मजबूत, सेंसेक्स 290 अंकों की तेजी के साथ खुला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा देश को पीएम आवास नहीं सास चाहिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोले ने किया दावा, कहा अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। जिले में सुधरने लगे हालात, रिकवरी रेट बढ़कर 85% के ऊपर पहुंचा, 3,827 मरीजों की तुलना में 7,799 मरीज हुए डिस्चार्ज। कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा देकर बनाए शारीरिक संबंध, जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। शादी करवाने के नाम पर विधवा महिला का सौदा, 1,70,000 में हुआ था सौदा, पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़, 4 आरोपी किए गिरफ्तार। सोमवार से अमरावती, अकोला व यवतमाल में कड़े प्रतिबंध, किराना और सब्जी की दुकानें भी बंद, केवल 4 घंटे होगी होम डिलीवरी की अनुमति। महावितरण घर जाकर वसूल करेगा बिजली बिल, कोरोना महामारी के दौरान बिजली बिल वसूली का फरमान। हाईकोर्ट ने मांगी उपभोक्ता अदालत की वास्तविक स्थिति की जानकारी, पिछले साल से उपभोक्ता अदालतों में प्रभावी ढंग से नहीं हो रही सुनवाई। बीसी न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।